Assalamu alaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप step by steps 3D Studio Max उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, 3D Studio Max के इस lesson के अंदर मैं आपको आपके कुछ panels और tools बाल को control करना बताऊंगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारे जो new user होते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम एक नए सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अगर उनसे उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंजिंग हो जाए तो उसको दोबारा से उस चेंजिंग को रीसेट करना उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है, इशू बन जाता है। तो इसी जरूरत के तहत मैंने इस लेसन को आपको बताना चाहा। इस लेसन में ये जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि हम मजीद टूल्स द्वारा अपने पास कैसे ओपन करते हैं मैक्स के अंदर, और अगर हमारे पास कोई टूल बार ऑलरेडी है उसको हमने वहां से खत्म करना है, उसको वहां से हम डिसेबल कैसे करेंगे। अगेन, अगर हमारा कोई पैनल हमसे गलती से वहां पे उसको हमने क्लोज कर दिया है तो उसको अगेन हम वहां पे ओपन कैसे करेंगे। तो ये बुनियादी कुछ चीजें हैं, ये हम इस लेसन के अंदर देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने पास मैक्स को ओपन कर देता हूं। मेरे पास मैक्स ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखिए, मेरे पास यहां पर ऊपर एक टूल बार है, ठीक है, ये मेरी क्या है, टूल बार है। इसको आप दाएं से बाएं भी मूव कर सकते हैं। अब सिर्फ यही मैक्स के अंदर टूल बार नहीं है, मैक्स के अंदर और भी बहुत ज्यादा टूल्स बार्स हैं। अब उनको निकालने के लिए तरीका क्या है। मेथड नंबर वन, आपके पास ये जो टूल बार है इसके ब्लैंक एरिया पे, जैसे कि देखें यहां पे मैं इसको एक राइट क्लिक कर देता हूं तो आपके पास तमाम टूल्स बार के नाम निकलकर आपके सामने आ जाएंगे। लेट्स से कि आपको अगर लेयर के बारे में लेयर टूल बार निकालनी है तो आप लेयर के ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास ये आपकी लेयर टूल बार आ चुकी है। अब आप इसके ब्लू एरिया पे चाहे अपने माउस को होल्ड रखें, होल्ड रखने के बाद आप इसको जिस तरफ लाना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको इस साइड पर रखना चाहता हूं तो देखें इसने अपने आप को ऊपर से नीचे कर दिया और ये टोटली नीचे आपके पास एरिया कलेक्ट कर लेगा। अगेन, आप इसको निकालना चाह रहे हैं यहां से तो इसको ड्रैग करके बाहर लेकर आ जाए। ऊपर की तरफ आप इसको लेकर जाना चाह रहे हैं, अगेन माउस को यहां पर लेके जाए ब्लू एरिया के ऊपर, लेफ्ट बटन को प्रेस रखें, ऊपर जाकर आप इसको छोड़ दें तो यहां पे अपनी ये एडजस्टमेंट बना लेगा। अगेन इधर चले जाएं, आप इसको अगेन दाएं से बाएं इधर से मूव कर सकते हो। और अगर आपको ये टूल, ये लेयर नहीं चाहिए, ये टूल बार आपको नहीं चाहिए तो इसके भी दो मेथड हैं। एक आप सिंपली क्लोज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहां पर लेयर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखें चेक का मतलब क्या है कि ये लेयर आपके पास ऑन है। अगर अगेन मैं इसको यहां पर क्लिक कर दूं ये अनचेक हो जाएगा और आपके पास टूल बार जो आपकी है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अब फर्ज कर लिया कि मेरे पास की जो मेन टूल बार है ये आपसे गलती से बाय मिस्टेक ये आपके पास जा चुकी है, अब क्या होगा। अब आप इधर राइट क्लिक करें तो यहां पे भी राइट क्लिक करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखें, ये देखें, अब आपके लिए एक मसला क्रिएट हो चुका है। तो फिर करना क्या है, आप कस्टमाइज के ऊपर जाएंगे। कस्टमाइज के ऊपर जाने के बाद आप यहां पर आ जाएंगे, शो यू आई यूजर इंटरफेस, और यहां पे आपके पास ये होती है बेसिकली फ्लोटिंग टूल बार होती है, आप इसको क्लिक कर देंगे फ्लोटिंग टूल्स बार के ऊपर। जैसे आपने इसको क्लिक किया फ्लोटिंग टूल बार के ऊपर, आपके पास जितनी भी टूल बार मैक्स के अंदर यूज हो रही हैं वो तमाम की तमाम निकलकर आपके सामने आ जाएंगी। अब इसमें से जो भी आपको चाहिए आप अपने माउस को ब्लू एरिया पे लेके जाएं, लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए आप ऊपर जाकर इसको छोड़ सकते हैं। यहां पर आपने इसको छोड़ दिया तो देखिए ये उधर चला गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अगेन मैं इसको क्लोज कर देता हूं, यहां से मैं इसको उठाकर नीचे ले आता हूं। एक और मेथड भी है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो ये खुद बहुत ही उसी जगह पर चला जाएगा जहां पर इसकी परफेक्ट सेटिंग बन रही थी, ठीक है। और इन टूल्स बार को आप खत्म करना चाह रहे हैं, सिंपली आप इनको यहां पर इसको क्लोज कर सकते हैं, या जिस टूल बार को आप रखना चाह रहे हैं अपने पास उसको आप दाएं से इधर मूव करके जिधर भी आप रखना चाहें इसको इजीली आप इसकी सेटिंग्स बना सकते हैं। अब इसी तरह से आपका ये जो कमांड पैनल है इसको भी आप मूव भी कर सकते हो। अब कमांड पैनल के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप जैसे जैसे कोई चीज क्लिक करते जाते हो वैसे वैसे इंफॉर्मेशन आती जाती है। जब आप एक ऐसे बॉक्स के ऊपर, ऐसी ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक कर देते हो जिसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो फिर क्या होगा, देखें ये आपके पास ये है ये, और इस तरह से देखें आपके पास आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ रहा है, इसको ऊपर नीचे मूव करना पड़ रहा है। यहां पर देखें, यहां पर आ जाए, ये देखें आपको ऊपर और नीचे दाएं बाएं आपको मूव होना पड़ रहा है। अब इसके लिए कहते हो कि इसको इस साइड पर, लेफ्ट साइड, मजीद इसके लेफ्ट साइड पे एक एरिया बन जाए जिसके अंदर मुझको ऊपर नीचे ना करना पड़े, अदर इंफॉर्मेशन वहां पर शो हो जाए। तो इधर आ जाए, यहां पे इसको आगे तरफ लेकर आ जाए, मैंने इसको आगे इंक्रीज किया तो अब देखें
कुछ मेरे पास पैरामीटर्स किस तरफ आ चुके हैं, यानी कि अब ये आपके पास दुगना हो चुका है। तो मैं स्केप कर देता हूँ सिंपली, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको ये बुरा दिखाई देता है। एनी हाउ बताना मस्त था। अब अगेन इसको पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं, आपके पास ये पीछे की तरफ निकल कर चला जाएगा। आप इसको भी दाएं बाएं मूव करना चाहें तो आप इसको भी मूव कर सकते हैं। मैं देखिए यहां पर आ गया हूं, इसको मैंने प्रेस किया, मेरे पास ये है, इसको मैं उठाकर बाहर लेकर आ जाता हूं। यहां से मैं इसको पहले अपनी जगह पर ले जाता हूं, यहां पर आ जाए, इसको मैं अपनी जगह पर लेकर चला गया। और इसको मूव करने के लिए से माउस को मैं लाऊंगा, देखें यहां पे ये आपके पास जैसे ये ऊपर नीचे आप देखें माउस के साथ लिखा हुआ रहा है कमांड पैनल। अब माउस को होल्ड रखें, लेफ्ट माउस बटन को, और इसको आप मूव करें तो आपके पास ये दाएं बाएं मूव हो जाएगा। अब इसको मूव कर रहे हो दाएं से बाएं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आप राइट क्लिक करें, यहां पे आप तो इसको राइट क्लिक किया, देखें यहां पे बॉर्डर्स पे राइट क्लिक करें तो आपके पास कहता है इसको डॉक करना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। आपके पास कहते थे पहले राइट पे था, अब आप उसको राइट पे लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप राइट पे क्लिक कर दें तो अब ये अपनी सेटिंग राइट पे बना लेगा। इस तरह से अब ये कहते हैं आपके पास पहले राइट पे था, अब आप इसे लेफ्ट पे लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप इधर आ जाएं, राइट क्लिक कर दें, टॉक पे चले जाएं और इसको सिंपली आप लेफ्ट पे क्लिक कर डालें तो लेफ्ट पे क्लिक किया आपके पास ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। अब अगर किसी वजह से ये आपके पास मूव हो चुका है, मैं गिने से राइट पे लेकर चला जाता हूं, और अगर ये किसी वजह से आपसे क्लोज हो चुका है किसी वजह से भी, तो अब क्या करूंगा मैं, आप अगेन आप कस्टमाइज के पर जाएंगे, शो यूजर इंटरफेस के पर जाएंगे और आपके पास क्या है शो कमांड पैनल, आप कमांड पैनल के पर क्लिक कर डालें, आपके पास ये आ चुका है और अगेन इसके पर डबल क्लिक कर दें तो अपनी जगह पर ये चला जाएगा। इसी तरह से आप ये चाह रहे हैं, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर आपके पास ये टाइम लाइन नजर नहीं आनी चाहिए, एनिमेशन वगैरह नजर नहीं आनी चाहिए, कस्टमाइज के पर जाएंगे, शो के पर जाएंगे और आपके पास ये क्या है मेन टूल बार, और जो भी आप जैसे इसको खत्म करना चाहे जैसे मैं कहता हूँ शो ट्रैक बार, तो क्या होगा आपके पास ये ट्रैक बार आपको नजर नहीं आएगी, जस्ट आपके पास आपकी कीज नजर आ रही है, यहाँ पे फ्रेम की नजर आ रही है, ठीक है। अगेन आप इसको लाना चाह रहे हो, इधर आ जाएं और क्लिक कर डालें तो इस तरह से आप अपने मजीद मैक्स के इंटरफेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं आप मूव करना चाहें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप इसका फ्रंट हैंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप कहते हैं ये जो आपके पास स्कीम है कलर्स की आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप कस्टमाइज के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है कस्टम यूजर इंटरफेस स्विच, इस पर आप क्लिक कर डालें। आप इसे कहते हैं जी मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे टॉर्क चाहिए, लेट से मुझे ये व्यू चाहिए, मैं इसे सेट कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास क्या होगा, तमाम व्यू आपका टोटली जो है वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसको क्लिक कर दिया है तो थोड़ा टाइम लेने के बाद अब देखिए इसने आपको टोटली चेंज कर दिया है, इसका टोटली जो मोड है वो चेंज हो चुका है। मैंने क्लिक किया हुआ है और इसे मैसेज दे दिया, आप इसको ओके कर दें, देखिए अब आपका व्यू टोटली चेंज हो चुका है। लेकिन अगेन मैं वही लाना चाहूंगा जो मैं यूज कर रहा था, वापस आप इधर आ जाएं, यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया है और अगेन आपको बाय डिफॉल्ट व्यू ही चाहिए, आप इसको सेट पे क्लिक कर डालें और ये देखिए मेरा व्यू आ गया चेंज हो गया और मैसेज इसने मुझको दे दिया है, आप इसको ओके पे क्लिक कर डालें, ओके किया, अगेन आपके पास आपका बाय डिफॉल्ट व्यू ही निकलकर सामने आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में मैंने जो चीज आपको बताई वो बेसिक क्या थी, अगर आपसे किसी वजह से कोई टूल बार मिस हो जाए या आपका कमांड पैनल जो है ये मिस हो जाए तो उसको आप वापस अपने पास रीसेट कैसे करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xbacademy.com। जी स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343-901-7779 पे, ईमेल करें xbacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है एक्सपी अकेडमी और हमारा फेसबुक का भी आईडी है एक्सपी अकेडमी। फेसबुक पर जाकर हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखें अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।